गोला तैयार? हाथ तैयार। पकड़ो। लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं साईं, शुक्रिया। दत्तू, हरी, तुमको कई बार समझा चुका हूं कि मजाक उतना ही करो जितना तुम खुद सह सकते हो। मजाक एक सीमा तक ही ठीक है, लेकिन जब सीमा टूट जाती है तो उससे दूसरे को तकलीफ होने लगती है। मजाक वो करो जिससे सबको हंसी आए, सबका स्वस्थ मनोरंजन हो। लेकिन जिससे दूसरे को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचती है वो मजाक कभी ठीक नहीं होता, समझे? उम्मीद है जल्द ही तुम्हें इसका एहसास होगा। चलो लगोरी खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, चलो। सरकार आदेश कीजिए, क्या हुक्म है हमारे लिए? शिरडी में मेरे विशेष अतिथि पधारने वाले हैं, मूले शास्त्री जी, बड़े विद्वान हैं, जोची हैं, उनके मुंह से निकला वचन कभी असत्य नहीं होता, समझे? और जब तक वो यहां रहेंगे तब तक उनके देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उनके रहने ठहरने का प्रबंध मैंने कर दिया है। तुम उनके कक्ष के बाहर सदैव रहोगे और यह सुनिश्चित करोगे कि उन्हें कोई कष्ट ना हो, समझे? उनके सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना है तुम्हें, और तुम्हारी पत्नी उनके लिए भोजन बनाएगी। और सरकार खेत के काम? वो बाकी के श्रमिक देख लेंगे, तुम्हें केवल शास्त्री जी का ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि उन्हें कोई कष्ट ना हो, और यदि हुआ तो बाद में तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए सरकार, आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। हरिओम। क्या हुआ पंडरी? प्रणाम साईं। आसमान में बादलों को देखकर चिंतित हूं साईं।
साईं, इस साल फसल अच्छी हुई है, पर डर लग रहा है साईं कि कहीं पिछले साल की तरह बेमौसम बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा साईं। पंढरी, बादल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन नकारात्मक सोच अगर एक बार दिल में घर कर जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उसे निकालने में। इसलिए ऐसी बातें मत सोचो, सकारात्मक रहो और सकारात्मक सोच रखो, मालिक सब ठीक करेगा। इतने खुले में ये फसल पड़ी है, ऐसे में घने बादलों को देखकर एक किसान का मन तो चिंताओं से गिर जाएगा ना साईं। बादल आए जरूर है, लेकिन बरसे तो नहीं ना, और जब तक बरसे नहीं तब तक बुरा तो नहीं हुआ ना। तो फिर बुरा सोचकर बुरे को आमंत्रित क्यों करना? सोचना ही है तो अच्छा सोचो पंढरी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बाऊ, कौन है ये? इन्हें नहीं जानते, ये मूले शास्त्री जी हैं। गोलभ स्वामी जी से दीक्षा मिली है इन्हें, भविष्य का सारा ज्ञान है इन्हें। इनके मुख से निकला वचन सत्य ही होता है। आज घनघोर संकट आने वाला है तुम सब पर। आज ये बारिश मुसीबत बनकर बरसेगी आप लोगों पर। लेकिन भविष्य तो वो सिक्का है जिसे मालिक ने अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखा है। ए फकीर, तू अज्ञानता में जी रहा है, लेकिन हमें हमारे गुरु की दीक्षा प्राप्त है। उनके आशीर्वाद से भविष्य का स्पष्ट दर्शन होता है हमें। हमारे मुख से गुरु गोलभ स्वामी ही बोलते हैं, हमारी भविष्यवाणी अचूक होती है। लेकिन ये मेघ आज बरसेंगे,
ये जानने के लिए कोई दिव्य शक्ति या विशेष विद्या की आवश्यकता नहीं। एक साधारण इंसान भी इन बादलों को देखकर आज बारिश होने की भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी नहीं कर सकता। चलो, इससे पहले कि बारिश हो हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना होगा। जी शास्त्री जी। ये जो कह रहे हैं, ऐसे तो शिरडी के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे साईं। पंढरी, उनकी बातें सुनकर तुम दो चीजें कर सकते हो। या तो यहां बैठकर अपने नुकसान को होने दो, या फिर नुकसान कम से कम हो इस दिशा में कुछ करो। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम तय करो। साईं ठीक कह रहे हैं, हम सभी को अपनी फसल बचाने के लिए सारी फसल को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। जितनी जल्द से जल्द हम फसल सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे उतना नुकसान कम होगा। अपनी मदद करने के लिए जब तुम कोशिश करोगे तब मालिक भी तुम्हारी मदद करेगा। साई, अभी हम मिलकर ये सारी फसल सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। राम जी भला करें। वो फकीर पागल था। बारिश तो हो के रहेगी। अगर बरसानी ही है तो अपनी रहमत बरसाओ। तो बारिश शुरू। रुको। देखा पंढरी, साई ने सच कहा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमने अच्छा सोचा तो हमारे साथ अच्छा ही हुआ। सच में साई महान है। साई, अब धन्य है साई। अल्लाह मालिक।
ये कैसे हो रहा है? ये बादल अचानक छटने कैसे लगे? नहीं, ये संभव नहीं। आज तक मेरी कही बात कभी झूठी साबित नहीं हुई, फिर आज कैसे? कारण हमें कितना सुनना पड़ा? आई आज जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी। मुफ्त का सिक्का पाने के लिए वो इतने लालची हो गए कि उन्होंने कीचड़ भी नहीं देखा। ज़्यादा सफाई मत दो। आई आई आई। डांट फटकार का तुम पे कोई असर क्यों नहीं होता? अरे बात बताओ, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हाँ? बहुत हंसी आ रही है तुझे, कब समझेगा तू? 13 साल का हो गया है, तेरी उम्र में मैं चूल्हा चौका संभालने लगी थी और तेरे बाबा कमाने लगे थे, और एक तू है जिसके कारण हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती है। पता है, सिर्फ तेरे कारण आज से हमें संता जी के खेत में मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ेगी। खुद तो शैतानियां करता ही है, साथ में हरी को भी बिगाड़ दिया है। चल अब साफ कर इसे। मैं क्यों? जब गंदगी तू करेगा तो सफाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी। कर साफ कर इसे। चल साफ कर इसे। मैं क्यों करूं? तुम करो। तू अक्ल तो है नहीं, कम से कम थोड़ी शर्म ही कर ले। डांट पड़ी है तुझे और तू गुनगुना रहा है, नाच रहा है। आई साफ तो कर रहा हूँ ना। मैंने सजा दी है तुझे ताकि तू सबक सीखे और ऐसी गलतियां दोबारा ना करे, पर तू है कि तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। जूं तो सर में रेंगती है ना, और नाचना गाना अच्छी बात होती है। ठीठ, ऐसे मजाक करता है? हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मुर्खा बन, अब देखते हो कैसे दिखाता है अपनी कला। हरी हंस रहा है, आई ये भी था मेरे साथ, इसको भी मुर्गा बनाओ। वो अभी छोटा है, जो बड़े को करता देखेगा वही तो सीखेगा। उसके लिए एक आदर्श बनना चाहिए, एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन तू है कि उसे बिगाड़ रहा है। चल अब मुर्गा बन, बन जल्दी। बधाई हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई।
अब तुम्हें थोड़ी और जगह की जरूरत पड़ेगी, है ना? ये मेरी तरफ से तुम्हारे घोंसले के लिए। साई, क्या हुआ श्रीधर? मेरी पत्नी रेणुका, आज उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो मैं दाई माँ को लेके आया, लेकिन एक समस्या आ गई है साई, शिशु गर्भ में अटक गया है, और दाई माँ का कहना है कि ऐसी स्थिति में जच्चा और बच्चा दोनों की जान जा सकती है साई। साई उनकी रक्षा कीजिए साई, उन्हें बचा लीजिए साई। सबूरी श्रीधर, मालिक पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पांडुरंगा, मेरी बहू को बचा लीजिए। हौसला रखे लता ताई, सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर भाऊ कहाँ है? रेणुका फिर से बेहोश हो गई। पांडुरंगा, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरे बहू बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ऐसी मुश्किल आ गई है? आई, चिंता मत कीजिए, साई आ गए। साई, सुन भाई को बचा लीजिए, रेणुका बहुत तकलीफ में है, बार बार बेहोश हो रही है। मौसी, मुझे अभी अभी खबर मिली। साई, श्रीधर मेरा मौसेरा भाई है, उसकी मदद कीजिए। इसे पानी में मिलाकर उसे पिला देना और मन में श्रद्धा और सबूरी रखना। आप सभी, मालिक सब ठीक कर देगा। साई, लेकिन अगर जब मालिक पे पूरा भरोसा हो तो उसमें ना लेकिन की जगह होती है ना अगर की। मैं यही रुकूंगा मां और बच्चे की सलामती की खबर सुनने। शुक्रिया साई। मालिक, अरे ये बच्चा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, अगर ऐसे ही रहा तो बाहर कैसे आएगा? शास्त्री जी बहुत ज्ञानी पुरुष है, भविष्य बताना भी जानते हैं। यह
क्या आप सच में विश्वास करते हैं पिताजी कि कोई व्यक्ति अपना भविष्य बता सकता है, भविष्य की बातें कर सकता है? तुम्हारे समझ में नहीं आएगा बहू। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे अतिरिक्त बहुत ऐसे सम्मानित लोग हैं जो शास्त्री जी को जानते हैं, और लगभग सभी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से यही कहा है कि अगर शास्त्री जी कुछ कह दें तो कोई भी उनकी कही को अनकही नहीं कर सकता। रियोम, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गांव वाले उस साई के बारे में कहते हैं। बहो, शास्त्री जी की तुलना उस फकीर से मत करो। वो केवल काला जादू करना जानता है, वशीकरण करना जानता है, उसके ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन शास्त्री जी के ज्ञान से सभी परिचित है। उनके गुरु ओलभ स्वामी जी को बहुत सारे लोग जानते थे। कल का ही उदाहरण ले लो, शास्त्री जी ने गंगाराम को एक व्यापारिक सौदे में निवेश करने से मना कर दिया। गंगाराम ने उनकी बात मान ली, पैसे बच गए उसके, और आज वैसे ही एक सौदे में उसने निवेश किया, वो भी कम दाम में। एक दिन रुकने से हजारों का लाभ हुआ उसे। पिताजी, तो मैं भी चलती हूं आपके साथ, मुझे भी अपना भविष्य जानना है। बहू, हमारे कुल की बहु बेटियां ऐसे बाहर नहीं जाती हैं और ना ही किसी अपरिचित पुरुष से भेंट करती हैं। पिताजी मैं बस, हमारे कुल की बहु बेटियां बड़ों के सामने ऐसे मुंह नहीं खोलती हैं। और उसके अतिरिक्त मैं ये भी जानता हूं कि वहां जाकर तुम उनसे क्या पूछोगी। यही पूछोगी ना कि तुम बंबई कब जा सकती हो वापस, और ये बताने के लिए शास्त्री जी के भविष्य की क्या आवश्यकता है, वो तो मैं भी जानता हूं, उसका उत्तर है मेरे पास। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो उत्तर सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, भाएगा नहीं मेरा उत्तर तुम्हें। हरिओम। शायद आप ये भूल जाते हैं कि मैं सासू बाई नहीं हूं जो मुझ पर आपका हुक्म चल सके। ये क्या कर रहे हैं साई? साई ने कहा जब मालिक पे भरोसा हो तो संधि के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है, और साई के रहते ना बच्चे को कोई आ जाएगी ना तुम पे। ऐसे वक्त में साई बागबानी क्यों कर रहे हैं? साई की लीला साई जाने। मैं तो इतना जानती हूँ कि साई का हर काम किसी ना किसी की भलाई के लिए ही होता है। ओम साई ओम साई ओम।
देवा। जैसी पोती हुई है और बहू भी कुशल है। शुक्रिया साईं। साईं, आपने सुनवाई और मेरी पोती को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मालिक की मर्जी थी, मैं नहीं तो कोई और जरूर आता आपकी मदद के लिए। साई, ये आपका ही चमत्कार है। ये पौधा भी अच्छा हो गया और बच्चे ने भी जन्म ले लिया। माँ की जिंदगी में बच्चे की और बच्चे की जिंदगी में माँ की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और ये बात ईश्वर खूब समझता है। बस यही बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। बाकी मालिक की मर्जी। अल्लाह मालिक। नहीं, इस व्यवसाय में ना बरकत है ना होगी, इसे तुरंत छोड़ दो और कोई नया व्यवसाय शुरू कर दो। पर शास्त्री जी, शास्त्री जी प्रणाम। शास्त्री जी, मेरी भैंस नहीं मिल रही है। भाग ले गया उसे, दूसरी खरीद लो। शास्त्री जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। तुम्हें इस गांव में ढूंढने से भी पत्नी नहीं मिलेगी, कहीं और जाकर बस जाओ। नौकरी नहीं मिलेगी कुछ सालों तक, कुछ भी कर लो। हटो हटो। राम शास्त्री जी, मैं संता, इस गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार आपसे मिलने आए हैं। पर वो इन गांव वालों के सामने आपसे बात नहीं कर सकते, इसलिए वो आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। अवश्य। तुम सब लोग निराश मत हो, मैं सबसे मिलूंगा। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ,
जब तक कुलकर्णी सरकार से मैं पूरी तरह से बात नहीं कर लेता, कुछ देर तक प्रतीक्षा करो। ससुर जी तो अपने जीवन का ही नहीं बल्कि औरों के जीवन का भाग्य विधाता समझते हैं खुद को, फिर वो अपना भविष्य क्यों जानना चाहते हैं? द्वारका माई में ऐसा कभी नहीं होता, जिस क्रम से लोग द्वारका माई आते हैं उसी क्रम में साईं मिलते हैं। जब तक कोई गंभीर मामला ना हो ये सिलसिला कभी नहीं टूटता। प्रणाम शास्त्री जी, प्रणाम। मेरी ओर से आपके लिए ये भेंट, स्वीकार कीजिए। आपके दिव्य शक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी है, आपकी महिमा सुनकर आया हूं। आपसे सहायता चाहता हूं। शास्त्री जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक दुख है, एक। वो मेरी कुंडली में राहु बनकर बैठा है। मेरे बेटे को, मेरे पोते को उसने अपने वश में कर लिया है। उस राहु से मुझे कब छुटकारा मिलेगा शास्त्री जी? राजी, हरिओम हरिओम। ये तो मुझे भी जानना है कि साई नाम के उस मुसीबत से मेरे परिवार को कब मुक्ति मिलेगी। में सब कुशल मंगल है ना? जी साई, आपकी कृपा से सब अच्छा है। मन में बात रखने से मन का बोझ बढ़ता है, घटता नहीं। दत्तू की चिंता है, 13 साल का हो गया है लेकिन उसकी शैतानियां कमी नहीं होती। समझ नहीं आता आखिर हमारी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई जो वो इतना शरारती हो गया। अगर आपका हाथ उसके सर पर हो तो मुझे यकीन है वो सुधर जाएगा। आप उसे समझाइए, उससे बात कीजिए या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। सबूरी रखो, उसे एहसास भी हो जाएगा और उसकी शरारती भी कम हो जाएंगी। साई, मैं तो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी खुशी की घड़ी होगी जब मेरा तत्व समझदार हो जाएगा। मैं तो बस चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो फिर मेरे साथ चलो। असंभव। जिस मंशा से आप यहां आए हैं उसका पूरा हो पाना संभव नहीं है।
आपकी कुंडली से उस ग्रह के दूर होने की कोई संभावना नहीं है। शास्त्री जी, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मेरा पोता, मेरा बेटा उस राहु के असर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? हमारे मुख से निकली बात हमारे गुरु की बोली है और वो कभी गलत नहीं होती। क्या बकवास कर रहे हैं? भगवान समझते हैं क्या अपने आप को? तुम यहां क्या कर रही हो बहू? क्या कहा था मैंने? उनकी मर्यादाओं को भुला दिया तुमने? आपके घर में रहती जरूर हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मुझे अपनी जिंदगी जीने की आजादी ही नहीं है। कहीं भी आने जाने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। और वैसे भी देख लिया मैंने, यहां आना ही बेकार था। अगर ये सच में सब कुछ जानते हैं तो इस देश के राजा क्यों नहीं बन गए? दुस्साहसी कन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी विद्या को गलत बोलने की? मैं डरती नहीं हूं आपके भविष्यवाणी से और ना ही आपसे डरती हूं। ठीक उसी तरह जैसे मैं उस साई से नहीं डरती। मैं तो डरती ही नहीं हूं किसी से, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं जानती हूं मुझे जो चाहिए वो मुझे जरूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। उद्दंड नारी, हमारी भविष्यवाणी को चुनौती देगी तू? यदि इतना ही भरोसा है तो जा, जो करना है कर ले, लेकिन इतना याद रखना हमारी वाणी कभी गलत नहीं होती। इसी समय वाड़े चली जाओ बहू। यदि तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं विवश होकर यह सुनिश्चित करूंगा कि आज के बाद तुम कभी भी बंबई का चेहरा ना देख सको। क्षमा कर दीजिए शास्त्री जी, मेरी बहू अपना आपा खो बैठी है और स्वाभाविक भी है। जिसका पति बेटा एक ढोंगे फकीर के दास बन गए हो, ऐसी स्त्री सामान्य लोगों के भांति कैसे व्यवहार कर सकती है बताइए? कुलकर्णी सरकार, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारी भविष्यवाणी पर संदेह करेगा, उसे चुनौती देगा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। Thank you.
उमा, इन कांटेदार पौधों को लगाने की मैंने गलती की, इन्हें उखाड़कर फेंकने में मेरी मदद करो। लेकिन साई, ये तो गुलाब के पौधे हैं, तो आप इन्हें उखाड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनमें बेशुमार कांटे हैं। लेकिन अभी ये छोटे हैं, इसलिए आपको इनमें सिर्फ कांटे ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो सुंदर सुंदर फूल देने लगेंगे। साई, आप तो सब समझते हैं, फिर क्यों? उमा, इन पौधों में फूल आने से पहले कांटे आ जाते हैं। ये जरूरी है कि फूलों के खिलने तक हम बड़ी सावधानी से इन कांटों से निपटें। यही जीवन के लिए भी सच है। खुशी पाने के लिए हमें थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है, जैसे रेणुका को मां बनने का असीम सुख प्राप्त हुआ, लेकिन उसके लिए उसे पीड़ा से गुजरना पड़ा। इंसान हो या एहसास, जब जन्म लेता है पीड़ा सहन करनी ही पड़ती है। कैसी पीड़ा साई? पीड़ा कभी बताकर नहीं आती उमा, लेकिन याद रहे, श्रद्धा और सबूरी से हर पीड़ा दूर की जा सकती है। जानती हो उमा, मूले शास्त्री जी सिद्ध संत हैं। देखते ही सबकी परेशानियां पहचान जाते हैं, और वो कहते हैं उनकी जुबान से उनके गुरु के शब्द निकलते हैं। सोचता हूं मैं भी उनसे भविष्य के बारे में पूछूं। लेकिन आपको जानना क्या है? दत्तू का भविष्य। क्यों हम किसी और से पूछें, जब साई की कृपा से हमें दुनिया का हर सुख मिलता है, तो फिर हम किसी और के पास क्यों जाएं? इसमें कोई दो मत नहीं है कि साईं की कृपा से ही सब कुछ हमारे पास है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। लेकिन शास्त्री जी ठीक ठीक ये बता सकते हैं कि क्या और कब होने वाला है। फिर एक और बात है। कौन सी बात? दत्तू का अतीत। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा? देखिए इसे, कहने को तो 13 साल का हो गया है, लेकिन नींद में अब भी लार बहती है। अब भी एक छोटे से बच्चे की तरह मेरा पल्लू पकड़ लेता है। मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से बड़ा हो जाए, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है जब ये बड़ा हो जाएगा तब मेरा पल्लू कैसे पकड़ेगा। मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन लोग नहीं समझते। वो दत्तू से उसकी उम्र के मुताबिक व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। पता है, मैंने आज ही साई से दत्तू के बारे में बात की है, और उन्होंने मुझसे चिंता ना करने को कहा, और ये भी कहा है कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं तो चाहता हूं कि वो समय जल्दी से जल्दी आए और हमारे जीवन में भी सुख ही सुख हो, शास्त्री जी की तरह। उन्हें देखता हूं तो लगता है सबसे सुखी इंसान वही है। कैसे? जिस इंसान को अपने आने वाले कल का पता हो और वो भविष्य के मुताबिक अपने वर्तमान को सुधार सकता है, वो तो सबसे सुखी हुआ ना। काश मैं भी उनके जैसा खुश नसीब होता, फिर मुझे कोई दुख नहीं होता, फिर मैं चैन की नींद सोता और चैन से जागता। तो यही मानता हूं कि जैसे शास्त्री जी चैन की नींद सोते हैं, मुझे भी वैसी ही चैन की नींद नसीब हो। गुरुदेव मावली, मैंने हमेशा आपकी आराधना की है, आपकी हर बात को ईश्वर इच्छा मानकर उसका पालन किया है और आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन गुरुजी इस कश्मकश से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? मेरी ये परीक्षा कब खत्म होगी? इस दुख के चक्रव्यूह से मुझे निकालिए गुरुजी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए रेहाना ने आपके लिए कंबल भेजा है। शुक्रिया, वहां रख दो। जी साईं। क्या बात है साईं, सब खैरियत तो है ना? किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। ठीक है, अब तुम घर जाओ। चलता हूं साईं। सलीम, उस टोकरी में एक पंखा है, ला कर दोगे? ये लीजिए।
आज जो तुमने किया उसका आभास है तुम्हें? और शास्त्री जी ने जो किया उसका क्या? सीधे सीधे मना कर दिया आपको, कहा कि आप उस पाखंडी को कभी हरा नहीं सकते, यानी कोई शिरडी के राजा को मना कर दे, मेरे ससुर जी को मना कर दे और मैं चुपचाप खड़ी देखती रह जाऊं। आपको हो ना हो पिताजी, मुझे आपके सम्मान की फिक्र है, आपकी चिंता है मुझे। बहो, इस घर में किसी भी स्त्री को पलट कर उत्तर देने का अधिकार नहीं है और ना ही मुझे किसी स्त्री के समर्थन की आवश्यकता है। तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र हैं, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। लाड़ दुलार से व्यवहार का अर्थ ये नहीं कि तुम मर्यादा का मान ही ना रखो। आज जो तुमने किया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस फकीर ने आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आपके विरुद्ध कर दिया आप ही के खून को। ये सब आप बर्दाश्त कर सकते पिताजी, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूं, नहीं होगा मुझसे। अगर शास्त्री जी ने ये नहीं कहा होता कि हम उस फकीर से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, तो यकीन कीजिए मेरा, मैं उन्हें एक शब्द नहीं कहती। लेकिन मैं क्या करूं, साहब शचुंदर जैसे हालत हो गई है मेरी, ना उगलते बनता है ना निगलते। अच्छा होता अगर किसी कुएं में कूद के जान दे देते मेरी। बहू, तुमसे बहुत पहले से देखा है मैंने अपने बेटे को, उस पाखंडी के बहकाव में आकर वो मुझसे दूर होता गया। आज तुम पर जो बीत रही है वो मुझसे अधिक कौन समझ सकता है, किंतु किसी भी कारण तुम अपना स्थान भूल जाओ, मर्यादा भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और रही बात शास्त्री जी की, शास्त्री जी का इस गांव में रहना अति आवश्यक है। बड़ी कठिनाई से उन्हें लेके आया हूं मैं यहां, उनके जीवा पर सरस्वती बसती है। सरस्वती, इन अनपढ़ गंवार गांव वालों को इस ज्योतिष के पीछे लगा देना मेरे लिए बहुत सरल है। लेकिन वो मूले शास्त्री जी बहुत उसूलों वाले आदमी लगते हैं, उनसे आपका उल्लू नहीं सीधा होने वाला। वो आम गांव वालों की तरह नहीं है। उसूलों को टूटते समय नहीं लगता बहू, बस बीच में काम बिगाड़ने वाला तुम जैसा मूर्ख ना आ जाए। आज जो भूल हुई वो दोबारा अगर हुई तो बंबई जाने का सपना तुम स्वयं ही त्याग देना, समझे? अब जाओ अपने कक्ष में जाओ। नाश्ता तैयार हो गया? जी। ला दो। ये लीजिए शास्त्री जी का नाश्ता।
अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया है, अपने छोटे भाई का इतना ख्याल रख रहा है। भगवान करे तुम दोनों भाइयों का ये प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। अच्छा ये बता, जैसे अभी तूने बिना किसी के कहे सुने अपनी समझ से हरि का ख्याल रखा, तेरी ये जिम्मेदारी, ये समझदारी शरारत करते वक्त कहाँ चली जाती है? हाँ तुझे पता है ना हमें तुझसे कितनी उम्मीदें हैं। मैं और तेरे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों का भविष्य अच्छा हो सके। हमारी तो सारी उम्मीदें सिर्फ तुझ पर टिकी है कि तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार इंसान बनेगा और फिर अपने भाई का भी मार्गदर्शन करेगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाय। जब तू सब समझता है तो फिर इतनी शैतानियां करता ही क्यों है? तुझे अच्छा लगता है क्या जब लोग तेरे आई बाबा को दुनिया भर की बातें सुनाते? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे डांटना फटकारना। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तू ये शरारत करना लोगों को तंग करना छोड़ दे, अपनी आई की बात मानेगा ना तू? गोविंदा, कुछ दिन पहले एक दानी पुरुष आए थे जो ढेर सारा अनाज दे गए थे। मुझे जरा देख के बताओ तो कि गेहूं कितना है। जी सही, अभी बताता हूं। एक शेर के लगभग होगा साईं। इसे पोटली में बांध दो। वो क्यों साईं? ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हमारे साथ खेलने आइए ना। अभी नहीं बेटा, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। क्या काम है? किसी के नुकसान की भरपाई करनी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। महासापति जी, मेरे बच्चों की मन्नत पूरी तो हो जाएगी ना? अवश्य होगी बहनी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पति बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आखिर उनका परिवार उन्हें इतना प्यार जो करता है, आप सभी की प्रार्थना उनके साथ है। अरे हरी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मालसापति काका ने धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने हैं। हम सब हमारी मन्नत की पूजा करने के लिए जा रहे, अगर अभी तू इन्हें छू देता तो वे अपवित्र हो जाते, दोबारा से नहाना पड़ता उनको, दोबारा से वस्त्र बदलने पड़ते। मूर्ख कहीं का। जाने दो। छुआ तो नहीं ना, तो मूर्ख कैसे कहा? दत्तू बेटा ऐसा नहीं कहते, जाने दो, माफ कर दो इसे। हलसा काका, आप तो इन्हें जानते हैं ना, ये दोनों भाई कितने बड़े शैतान हैं। हम सब घर से शुद्ध होकर निकले हैं, अगर हम में से किसी को भी ये छूते तो इसका मतलब ये मनहूस हमारी पूजा में विघ्न डालेंगे ना। अब तक तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, अब जब आरोप लगा ही दिया है
तो मैं पूजा में विघ्न डाल के ही दम लूंगा। दत्तू, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कुछ नहीं करूंगा काका। दत्तू ये क्या कर रहे हो? दत्तू रुक जाओ। क्या किया तूने मनहूस? हमने अपने बाबा की तबीयत ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी, उसकी पूजा करने के लिए जा रहे थे। ये गेहूं हम खंडोबाजी के मंदिर में अर्पण करने वाले थे, तुम्हारी वजह से अब हमारी पूजा अधूरी रह गई। हमारी मन्नत अब तेरी वजह से पूरी नहीं होगी। ये सब तो तब सोचना चाहिए था जब हरी को बिना उसकी गलती के डांट रहे थे। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो इनसे। नहीं काका। भालसा काका, आपकी बातों का इन पर कोई असर नहीं होने वाला। बड़े बुजुर्गों को तो आप छोड़ ही दो, इन्हें तो भगवान का भी डर नहीं रहा। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मार से नहीं प्यार से सुधरते हैं। साई, अगर ऐसा होता तो ये कब के सुधर गए होते? क्या हुआ साई? अच्छा हुआ काकी जवाब आ गई। आपके ये बेटे इंसान नहीं, शैतान है शैतान। ना ही इनमें तमीज है ना ही संस्कार। पूरा गांव इनकी शिकायत करके थक गया आपसे, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं। आपने ही तो ढील दे रखी है। अब तो ये तभी सुधरेंगे जब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो जा रहा हूं पुलिस के पास, अब वो ही न्याय करेंगे। पूरा गांव इनकी शिकायतें करके थक गया, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं। आपने ही तो ढील दे रखी है। अब तो ये तभी सुधरेंगे जब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो जा रहा हूं पुलिस के पास, अब वो ही न्याय करेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए इन्हें, मैं समझाऊंगी। बच्चे हैं ये, इन्हें एक और मौका दे दो सुधरने का। लेकिन साई, हमारी मन्नत तो अब गई ना काम से। हम सभी अपने बाबा के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए हमने मन्नत मांगी थी और पूजा करने के लिए जा रहे थे खंडोबा जी के मंदिर पर, और इनके कारण हमारी पूजा अधूरी रह गई। और गेहूं की मटकी भी तोड़ दी इसने, और गलती से मैंने इसे छू भी लिया। इसके कारण मैं अशुद्ध हो गया। कितनी अजीब बात है ना, हम सभी को कृष्ण के बचपन की कहानियां सुनाते हैं,
वो बहुत नटखट थे, उनसे सब परेशान रहते थे। गोपियां हर दिन माँ यशोदा से बाल गोपाल की शिकायत करती थी। हम उसे भगवान की लीला कहते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर हमारे बच्चों के शरारत से हम इतना गुस्सा क्यों? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके छूने से कोई अशुद्ध नहीं हो सकता। और रही बात गेहूं की, आपको सबकी चिंता है ना साईं, बच्चों की भी बड़ों की भी। उमा, क्या तुम अपनी मटकी दोगी? हाँ, क्यों नहीं साईं। गेहूं अर्पण कर देना खंडोबा जी के मंदिर में। लेकिन साई, ये तो बहुत कम है। जब इंसान भगवान से प्रार्थना करता है तब भगवान उस प्रार्थना में छुपी भावना देखता है। उसके द्वारा अर्पित की गई वस्तु का वजन या मूल नहीं। साई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन गेहूं को खंडोबा को अर्पण कर देना, तुम्हारी ये मान्यता अवश्य पूरी हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए आइए। चल हरी, खेलते हैं। हाँ चलो। नालायक, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे खेलने की पड़ी है? लोग सही कहते हैं, मुझे तेरे साथ और सख्ती से पेश आने की जरूरत है। आज तुझे कमरे में बंद करके रखूंगी, तभी समझेगा तू। उमा, बच्चों को डांटकर तुम इन्हें डरा सकती हो, लेकिन इनमें सच्चा बदलाव कभी नहीं ला सकती। तो साई, मैं और क्या करूं? तुमने देखा ना दत्तू, तुमने जो कुछ किया उससे तुम्हारी आई को कितना सुनना पड़ा। मालिक सबको सुधरने के 100 मौके देता है, और जब कोई नहीं सुधरता तो 101वीं बार उसकी लाठी पड़ती है। दत्तू, गांव वालों की लाठियों से तो मैं और तुम्हारे आई बाबा तुम्हें बचा सकते हैं, पर ऊपर वाले की लाठी से कोई नहीं बचा पाएगा। जी सही, अब से ध्यान रखूंगा। चल 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 चल। दत्तू, कहाँ जा रहा है हरी को लेकर? सही, आपकी बात पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस वक्त तक मैं दत्तू से कैसे निपटूं, उसे कैसे संभालूं? श्रद्धा और सबूरी से। मुझे याद है, मैं भी बचपन में शरारती था,
लेकिन दत्तू तो मुझसे 10 कदम आगे है। खंडोबा दीजिए। ये इतना भारी कैसे हो गया? आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पति पर अब साई की कृपा है, उनका आशीष है। अब उन्हें कुछ नहीं होगा, आप देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जय खंडोबा, जय साई, जय खंडोबा, जय साई। लीजिए प्रसाद लीजिए। आज तो बाल बाल बचे। तो अभी तक ये भी नहीं समझा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज तो साई ने बचाया, वरना वो आदमी तुम्हें एक दो थप्पड़ तो मार ही रहता। उसके बाद मैं उसका क्या हाल करता वो नहीं सोचा तूने? याद है ना संता के साथ हम दादा? वो देख, लड्डू। पाठशाल के पास मेरा इंतजार कर, मैं तेरे लिए बहुत सारे लड्डू लेके आया। ठीक है, लेकिन संभाल के। धन्यवाद शास्त्री जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए, बाकी तैयारी मैं कर दूंगा, मैंने आपको करते हुए देखा है। ठीक है, मैं
हमने अपने शिष्यों को बाजार भेजा है कुछ सामान लाने के लिए। क्या है भालचंद्र, कल रात से हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुमने हमारी मदद की, इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, वरना अकेले कर पाना कठिन हो जाता। ये तो मेरा फर्ज है शास्त्री जी। जब से हम आए हैं तब से हमारी सेवा में लगे हो, कुलकर्णी सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन कर रहे हो। इसी की सेवा करने से इंसान पुण्य की प्राप्ति करता है, और आप जैसे विद्वान महापुरुष की तो परछाई भी इंसान का उद्धार करते। मेरे लिए आपकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। शास्त्री जी, सब तैयारी हो गई, अब आप पूजा कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री। शास्त्री जी संभालिए। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता आज हमारे हाथ से। हमारे गुरुजी ही हमारी शक्ति के स्रोत है। हमारे गुरुजी के चित्र को बचाकर आज तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के बदले में जो भी तुम्हारा मन करे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम हमसे मांग सकते हो। नहीं नहीं शास्त्री जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि कभी भी किसी का उपकार नहीं रखना चाहिए, खुद के लिए ना सही, कम से कम हमारे सर से ये उपकार उतारने के लिए ही कुछ मांग। शास्त्री जी हाँ, संकोच मत करो, जो भी चाहते हो मांग लो। शास्त्री जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं। अवश्य। साईं, मुझे पता है आपने उमा काकी को सबूरी रखने के लिए कहा है, लेकिन मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। क्या दत्तू और हरी सच में बदल पाएंगे, सुधर पाएंगे? आप तो सब जानते हैं साईं, मुझे बताइए ना। कल क्या हो किसे पता, और यही सही भी है। लेकिन क्यों साईं? मालिक बड़ा दयालु है गोविंदा, क्योंकि उसने इंसान के कल को अंधेरे में रखा। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता,
इसीलिए इंसान आज को शिद्दत से जीता है, सुख और आशा मन में रखता है। आने वाला कल अगर आज ही पता चल जाए तो इंसान या तो अहम से भर जाए या फिर निराशा से। इसीलिए हरि और दत्तू का क्या होगा ये कोई ना ही जाने, इसी में सबकी भलाई है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। तुम क्या जानना चाहते हो भालचंद्र? मेरे बेटों के बारे में, उनका भविष्य उज्जवल रहना चाहते जी। लड्डू गिरा दिए, अरे कब सुधरेगा, कब बाज आएगा अपनी हरकतों से? क्या हुआ शास्त्री जी, आप अचानक से इतने गंभीर क्यों हो गए? भविष्य देखना एक वरदान है, अभिशाप भी, खासकर तब जब तुम्हारे जैसे भले आदमी को उसका सच बताना हो। आपके कहने का क्या मतलब है शास्त्री जी? भालचंद्र, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही है कि बहुत जल्द ही तुम्हारे भाग्य में बेटे का विरह लिखा है। बदतमीज, हंस रहे तू? अरे बरसों से जानती तेरे आई बाबा को, राम और सीता की जोड़ी है बालचंद्र उमा की, लेकिन तू उन जैसे संस्कारी लोगों के साथ रहकर भी शैतान का शैतान है। अरे तू रावण है रावण, और तूने उस बेचारे हरि को बिगाड़ दिया है। कितनी कोशिशें की तुझे सुधारने की, लेकिन तूने जैसे ना सुधारने की सौगंध ले रखी है, और सुधरेगा भी कैसे? संस्कार तो विरासत में मिलते हैं, जो खून बनकर धमनियों में दौड़ते हैं। अगर तू उनका अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करता। एक बार फिर से देखिए ना शास्त्री जी, मेरे बेटे मेरा अभिमान है, मेरी जिंदगी है, मेरी उम्मीद है, और उनमें से कोई भी मुझसे दूर हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। भगवान का लिखा कोई नहीं बदल सकता, हम भी नहीं। क्या कहा आपने? हाँ सच कहा, भालचंद और उमा ने गोद लिया है तुझे। तीन चार दिन का रहा होगा तू किसी मंदिर के बाहर, पड़ा मिला था उन्हें, उन दोनों को संतान नहीं हो रही थी। उस समय हमने तुझे गोद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें हौसला दिया, पर हमें क्या पता था कि ऐसी आफत घर ला रहे हैं। अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ हरी होता और उनका जीवन खुशहाल होता, मगर आज बेचारे पछता रहे होंगे। पता नहीं किसका खून है तू जो ऐसे रंग दिखा रहा है।
क्या हुआ साईं? अब ठीक है ना? दत्तू और हरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ साईं। बेचारे भालचंद्र काका और उमा काकी बहुत भले इंसान हैं। वो आपको बहुत मानते हैं, आपके भक्त हैं। फिर भी उन्हें अपने बेटे की वजह से हर रोज अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। ऐसा क्यों साईं? जब रोज थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करो तो मुद्दत पूरी होने के बाद उसका ब्याज मिलता है। भक्ति भी कुछ ऐसी ही होती है। मैं समझा नहीं साईं। सबूरी गोविंदा, जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि आज तक की जमा पूंजी पर ब्याज मिलने का वक्त आ गया है। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।